यही नहीं, शहाबुद्दीन नीतीश कुमार को अपने नेता मानने से इनकार कर दिया और लालू यादव को स्वीकार कर लिया। शहाबुद्दीन के ये बयान पूरे देश में आग की तरह फैल गई और रात के 8 बजे प्राइम टाइम में मीडिया में डिबेट शुरू हो गया। सत्र आनंद मोहन बाहर आए हैं तो इस शहाबुद्दीन से सीख लिए दिखाई दे रहे हैं। आनंद मोहन को बेखूबी मालूम है कि मामला गर्म है, इस समय चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जेल नियमों को बदलकर बिहार सरकार ने आनंद मोहन को बाहर निकाला है। हालांकि सांसद शहाबुद्दीन जब भागलपुर जेल से निकले थे ऐसा माहौल नहीं था। उस समय शहाबुद्दीन के पीछे हजारों की संख्या में गाड़ी थी। वहीं बिहार के जिले जिलों में स्वागत के लिए शहाबुद्दीन के समर्थक रोड पर थे। सिवान में स्वागत के लिए फूल बिछा दिए गए थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों में अलग तरह की उत्साह दिख रही थी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। 27 अप्रैल की सुबह 4 बज रही थी। सासाराम की जेल में परसेंटेज अधिकारी को मालूम नहीं था कि आखिर इतने सुबह क्या हो रहा है। ना कोई ढोल, ना कोई गजा बाजा, ना कोई रैली, किसी एक बाहरी का व्यक्ति का भी भनक न लगे, इसी बातों को ख्याल में रखकर DMG कृष्णैया के हत्या में दोषी पाकर जीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन को हमेशा के लिए जेल से बाहर कर दी जाती है। कई घंटों तक जब मीडिया में मालूम चला कि आनंद मोहन जेल से बाहर निकल गए हैं, जेल से बाहर आने के बाद भी सन्नाटा छाया रहा। क्योंकि बता दूं, आनंद मोहन के बेटे राजद पार्टी से विधायक हैं और लगभग सारा परिवार राजद से जुड़ा हुआ है और बिहार की सरकार राजद गठबंधन से चल रही है। ये खामोशी की वजह सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन तो नहीं है, क्योंकि करीब 6 साल पहले जब सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जब भागलपुर जेल से निकले थे ऐसा माहौल नहीं था। उस समय शहाबुद्दीन के पीछे हजारों की संख्या में गाड़ी थी। वहीं बिहार के जिले जिलों में स्वागत के लिए शहाबुद्दीन के समर्थक रोड पर थे। सिवान में स्वागत के लिए फूल बिछा दिए गए थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों में अलग तरह की उत्साह दिख रही थी। वहीं उस समय विपक्ष में थी भाजपा। बेचैनी केवल विपक्षी पार्टी में ही नहीं थी बल्कि मीडिया में भी थी। वहीं भाजपा ने एक सुर में दिल्ली से लेकर बिहार तक मीडिया में छा गई और नीतीश तेजस्वी की सरकार जंग रेस्टू कहने लगी। वहीं देश के मीडिया अधिकतर परसेंट में बिहार में एंट्री कर गई थी। सबको शहाबुद्दीन के इंटरव्यू चाहिए था, लेकिन विवाक बोल से जाने वाले शहाबुद्दीन ने मीडिया के हाथ चढ़ गए और उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री तक कह दिया था। यही नहीं, शहाबुद्दीन नीतीश कुमार को अपने नेता मानने से इनकार कर दिया और लालू यादव को स्वीकार कर लिया। शहाबुद्दीन के ये बयान पूरे देश में आग की तरह फैल गई और रात के 8 बजे प्राइम टाइम में मीडिया में डिबेट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि नीतीश तेजस्वी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि फिर शहाबुद्दीन को जेल भेजना था और हुआ भी वही। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे चले गए। 6 साल बाद जब फिर अपने समय के धाकर सांसद रहे आनंद मोहन बाहर आए हैं तो इस शहाबुद्दीन से सीख लिए दिखाई दे रहे हैं। आनंद मोहन को बेखूबी मालूम है कि मामला गर्म है, इस समय चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जेल नियमों को बदलकर बिहार सरकार ने आनंद मोहन को बाहर निकाला है। हालांकि नीतीश के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बिहार सरकार की अधिसूचना के निरस्त करने के लिए मांग की गई है। विरोधी राजनीति पार्टियाँ भी औपचारिक विरोध कर रही है और आनंद मोहन को फिर से जेल में डालने की मांग कर रही है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। बन रहिए हमारे साथ, पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।